दोस्तों स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है आप सभी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती आ चुकी है और इसमें आवेदन आप जल्दी से जल्दी कर दें क्योंकि समय बहुत कम है इसमें, और वेतन 80,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब है, कहाँ से ये वैकेंसी आई है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और किस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस विषय की वैकेंसी है। तो कॉमर्स में देख सकते हैं वैकेंसी आई हुई है, इकोनॉमिक्स में आई है, इंग्लिश में आई है, इन्वायरमेंटल साइंस में आई है, ज्योग्राफी में आई है, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पोलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशोलॉजी, इन सब विषयों में भर्ती आई हुई है। और ये टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है ये है 69 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है, जिस कैटेगरी की पोस्ट नहीं है तो वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज एसटी कैटेगरी का 0 पोस्ट यहाँ पे, तो अनरिजर्व कैटेगरी में ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी कहाँ से आई है आपको दिखा देते हैं। ये कमला नेहरू कॉलेज जो है ये यहाँ से वैकेंसी आई है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, गवर्नमेंट जॉब है ये। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एडहॉक पे आपको रखा जा रहा है या कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी की तरह पूरी तरह से ये गवर्नमेंट जॉब है। वैकेंसी थोड़ा सा पहले आई हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे 20 अक्टूबर की वैकेंसी है, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती। तो जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन का पता चलता है तभी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वेबसाइट का लिंक दिया गया है यहाँ से, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से पेमेंट आपको दिया जाएगा। 57,700 की बेसिक मिलेगी आपको सेवन्थ सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो ये 57,700 जो है ये इसकी स्टार्टिंग, जो इस बेसिक पे जो स्टार्टिंग सैलरी बनती है आज की डेट में वो 80,000 के आसपास बनती है। 80,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। और इसमें जो लास्ट डेट दिया गया है, अभी डेट है यहाँ पर, तो देखिए 9/11/2022 तक की डेट है। 9/11/2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार DU की वेबसाइट भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी मिल जाएगा। KNIC.edu.in की वेबसाइट भी मिल जाएगा। तो इन सब वेबसाइट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इनका लिंक डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक वहाँ पर दिया गया है टोटल। और यहाँ पे वैकेंसीज मैंने आपको बता दी, कुछ और भी अन्य चीज़ें जो हैं वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है वो देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। डिसिप्लिन कौन कौन सी है, आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन से अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 55% मार्क्स आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, प्लस आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए या UGC से या CSIR से नेट, दोनों में से कहीं से भी आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर अगर आपने कोई PhD की डिग्री आपकी मतलब एग्जम्प्टेड कर दी जाएगी, अगर आपने टॉप 500 रैंक वाले कॉलेज जो है विश्व लेवल के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वहाँ से अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन लिया है, वहाँ से PhD ले लिए तो PhD भी आपकी यहाँ पर चल जाएगी, ठीक है। और आगे इसमें जो है और जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो आपको बता देते हैं। यहाँ तो क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही है, क्वालिफ़िकेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिया गया है अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो अप्लाई आप पे जो है जो हमने वेबसाइट बताई है, जो लिंक बताया वहाँ से ही कीजिएगा। 500 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी पड़ने वाली है आपकी। और जो कैंडिडेट SC ST PWD के हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया का की बात देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ आपको ID और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कुछ एक वैलिड डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, और इंटरव्यू के बेस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं या गवर्नमेंट में कर रहे हैं, तो आपको NOC भी ले जाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया देख लिए, ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंट रहेंगे तो कितने आपको मार्क्स मिलेगा, 80% या उससे ऊपर रहेंगे तो 21% मिलेगा, 60% रहेगा
तो 80% से कम रहेगा, 60 और 80 के बीच में रहेगा, तो 19 नंबर मिलेंगे आपको। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर भी मिलेंगे, एकेडमिक आपका पूरा रहेगा। और अगर ने एमफिल, एमटेक, एलएलएम और एमएड ये सब किया हुआ है तो आपका इस तरह से नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। पूरा डिटेल देख लीजिए, आपका पीएचडी 25 नंबर की वेटेज रहेगा आपका। नेट जीआरएफ किया तो 10 नंबर का वेटेज मिलेगा, नेट विद जीआरएफ है तो, और केवल नेट है तो 8 नंबर का वेटेज मिलेगा। अगर कोई आपका रिसर्च पब्लिकेशन हुआ है तो इसके 6 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी बेस पे जो और भी चीज़ें दी गई, अवार्ड वगैरह दिया गया, स्टेट लेवल अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल अवार्ड है, या फिर टीचिंग डॉक्टरेट एक्सपीरियंस, पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस, कोई अगर आपकी टीचिंग है तो उसके भी यहाँ पे मार्क्स दिए जा रहे हैं। इसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वही इसके चेयरपर्सन होंगे, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है, शॉर्टलिस्टिंग का जो क्राइटेरिया बनाया गया उसके लिए एससी एसटी कैंडिडेट को 5 मार्क्स कम रखा गया उनके लिए। और आगे देखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी ये सब पूरी हो गई कंप्लीट। अब आपको वेबसाइट पे ले चलते हैं जहाँ से आपको अप्लाई करना है और कहाँ से ये वैकेंसी आई है, कहाँ से हमने ये पीडीएफ डाउनलोड किया वो आपको दिखा देते हैं। वैसे इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी देख सकते हैं इसको। दोस्तों ये वेबसाइट है कमला नेहरू कॉलेज की, और यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हाईलाइट हो रही हैं इसी के साथ साथ है। यहाँ पे देखिए आगे आपको ये जो लिंक जा रहे हैं इसी में जो है आपको रिक्रूटमेंट का भी लिंक दिखाई देगा, और सारे सबसे ऊपर ही दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है पोस्ट फॉर असिस्टेंट इंजीनियर जो दिया हुआ, ये इसी को क्लिक करना है। आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो सब एक साथ खुल के आ जाएंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं। रीड मोर पे करने के बाद सबसे पहले जो है यहाँ पे फर्स्ट रो जो आएगी उसी में ही आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसमें आइए यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको दिखाई देगा, ये देखिए एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिख गया। इस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करना है और यहाँ से ही अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इसमें अप्लाई करें तो कमेंट बॉक्स, अप्लाई करने के इंटरेस्टेड भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो जिससे कम से कम ये तो पता चल सके कि हमारे इस वीडियो के बनाने का कितना फ़ायदा छात्रों को हुआ।